दिनों बाद हम पहुंचे अपनी बाइक के साथ फिर से पहाड़ों में। तो व्हाट्स अप फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। अभी हम हैं कोडाईकनाल में। कल हम पहुंचे हैं हैदराबाद से डायरेक्ट कोडाईकनाल, 1000 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करके। और पता है, कल मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ये मेरे साल की पहली राइड थी। मैंने इस साल एक भी राइड नहीं किया था अभी तक। और भाई क्या राइड है वो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो वो ज़रूर देखना। उसमें ना आपको लिटरली एक राइडर का सारा जो स्किल टेस्ट होता है ना वो उसमें हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 8:45 के आसपास। वैसे तो यार थोड़ा जल्दी उठ जाना था, लेकिन कल राइड जो है वो पूरी 24 घंटे की हो गई थी। और कल रात तक ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत बची नहीं थी कि मैं सोच पाऊँ कि मेरे को अगले दिन क्या करना है, तो मैं बिना अलार्म लगाए सो गया। अभी मैं रुका हुआ हूँ स्टार लाइट होटल कोड़ाई में। आपने अभी जो क्लिप्स में देखा होगा वो उसके बाहर का व्यू है। बहुत सही प्रॉपर्टी है, फैसिलिटी बहुत अच्छा है, एकदम नया है, इंटीरियर वगैरह मस्त है। बस एक ही प्रॉब्लम है, वो यार यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। तो चलो यार रूम में ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाइक स्टार्ट करते हैं, सीधा निकलते हैं यहाँ से। एक बार में क्या बात है, कल ही बैटरी बदला है इसका। हाँ चलो फाइनली तो अपन निकल चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन के लिए। और अभी आप देखो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा मुश्किल है इधर, मतलब आपका सही में राइडिंग का टेस्ट हो जाएगा मालूम। यहाँ पे ऐसा आपको लगेगा जब आप यहाँ आते रहोगे ना इस होटल की तरफ, तो आपको ऐसा लगेगा पूरा पहाड़ चढ़ ही रहे हो ऊपर। अभी उतर रहे हैं तो वापस मेहनत लग रहा है, देख रहे हो कितने सकरे रास्ते आने के। मतलब एक्चुअली ऐसा फील होगा ना कि आपको शहर से दूर कहीं पर जाके रहना है, लेकिन इसमें फ़ायदा भी है, शोर शराबा भी नहीं, एकदम शांति। ये देख रहे हो कितना नीचे, देख रहे हो सेकेंड गियर में गाड़ी 40 पहुँचने वाली है। अरे रे 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 रे। जितने भी लोगों को लद्दाख जाना है ट्रेनिंग के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, कोडाईकनाल में ये वाला होटल बुक कर लो। होटल से कहीं भी जाने के लिए जो शुरू का 5-6 किलोमीटर होगा वो आपका ट्रेनिंग ही होगा। चाय 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 किधर मिलेगा। गजबी लोग है भाई, सब तरफ लोग ही लोग हैं। ये तो लगता है मैं पीक सीजन में आ गया क्या। कोडाईकनाल हिल स्टेशन में आके बाइक होने का फायदा समझ में आता है भाई, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी जगह दिखा निकल लो। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, डॉल्फिन नोज वट्टा कनाल, मतलब इधर से मोड़ना है। मैं सोच रहा था यहाँ पे साला भीड़ कम रहेगी, यहाँ तो लोग ही नहीं दिख रहे हैं। सही जा रहा हूँ कि नहीं। है लोगों को पता है इस जगह के बारे में, ठीक है लोग जा रहे हैं। चलो दो चार लोग ऐसे आते हुए वहाँ से दिखे तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। ओह स्पीड में आ रहे हैं अंकल। अच्छा जी, 4 लेन का हाईवे मिला है इनको भगाने के लिए। ये वो पॉइंट जहाँ तक लास्ट आती है, गाड़ी आ सकती है, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे। चलते हैं पैदल आगे। एज एक्सपेक्टेड बहुत भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। यहाँ से शुरू होता है, जितना नीचे नीचे उतरते हुए मैं जा रहा हूँ, लोगों को देख के मेरे को लग रहा है कि वापस आना सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ रहेगा। इज इट क्राउडेड और जिस हालत में यहाँ का ये जो ट्रैक है ना, प्लेन रास्ता भी नहीं है। देखो ये दिख रहा है, रूट्स हैं, पत्थर हैं, पेड़ गिरा हुआ है, और ऐसा स्लैंट भी बराबर नहीं है। ऐसा बराबर स्लैंड नहीं, कहीं पे स्लैंड ऐसा हो जा रहा है। चढ़ने में तो वापस मजा आ जाएगा भाई। फाइनली वी हैव अराइव्ड। देखो बताता हूँ, ये जो भाई जी नकली वाला शाहरुख खान बन रहे हैं ना, यही है वो पॉइंट, डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट। पहुंच गए अपन। यहाँ पे लगता है सब टर्न वाइज वेट कर रहे हैं, बारी बारी से जाएंगे, फोटो खींचा के आएंगे, अपन भी जाएंगे। इतना भी ज़्यादा गहरा नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मैं ऐसा गिरना नहीं चाहूँगा बिल्कुल। आई होप आपको डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट का जो भी मैंने क्लिप दिखाया वो पसंद आया होगा। यहाँ से थोड़े आगे में एक इको व्यू पॉइंट करके भी है।
अगेन वो भी ऐसे ट्रैक करके ही जाना है। One eternity later. यार काफी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद भी कुछ समझ तो नहीं आया कि मैं वापस जा रहा हूँ। अगर बीच में कहीं नेटवर्क आ जाता है फोन में, थोड़ा यूट्यूब वगैरह में ढूंढ के देखेंगे इको पॉइंट कहाँ है। यहीं हुआ तो फिर आ जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। नहीं हुआ तो फिर ये वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा। यार वीडियो एंड करना छोड़ो, अभी पता है ऐसा ट्रैक करके भी ऊपर चढ़ना है वापस। बाइक के पास मिलते हैं। तो चलो यार अपन चलते हैं बाहर अब इस इलाके से। इको पॉइंट मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन यार मेरे को मिला ही नहीं। फाइनली जैसे तैसे मैंने वहाँ पे जो फोटोग्राफ लेने वाले खड़े रहते हैं ना उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि जो सबसे पहला हेयर पिन बेंड आता है लेफ्ट वाला, उसके राइट साइड में एक छोटा सा व्यू पॉइंट है। तो ऑलरेडी मैंने दो बार कोशिश कर ली थी, दो बार कोशिश करके मैं थक तो गया ही था। आज का दिन मेरे पास है, एक पॉइंट और कवर करना है, वो अपन निकलते हैं, वो थोड़ा यहाँ से दूर है। उम्मीद करते हैं यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, और बने रहना इस चैनल में क्योंकि कोड़ई के नाल के और भी बहुत सारे वीडियोस मैं डालने वाला हूँ। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल।